नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे रोस्टेड बादाम खाने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। बादाम खाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बादाम को भिगोकर उसे रोस्ट करके रोजाना खाने से आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। रोजाना 2 से 3 रोस्ट किए हुए बादाम खाने से ब्लड प्रेशर और मोटापा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसमें मौजूद मिनरल्स, विटामिन, डाइट्री फाइबर तेज दिमाग और स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आइए जानते हैं रोजाना रोस्ट किए बादाम खाने के फायदे। दोस्तों रोस्टेड बादाम खाने से ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने वाला एंजाइम स्वस्थ रहता है। रोजाना खाली पेट रोस्टेड बादाम का सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बादाम शरीर में पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद मिनरल्स शरीर के न्यूट्रिशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिशन शरीर को कई तरह की बीमारी से सुरक्षित रखते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से आप कई बड़ी बड़ी बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर बादाम का सेवन पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन को मजबूत बनाते हैं। बादाम का सेवन शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बचाकर आपको दिल की बीमारी से भी दूर रखता है। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आपको रोस्ट कैसे करने हैं बादाम को। सबसे पहले 2 कप पानी को उबालें। इसके बाद पानी को बाउल में डालकर उसमें बादाम डाल दें। इसके बाद इसमें कोम्बुचा और एप्पल साइडर सिरका डालकर बादाम को 24 घंटे तक भिगोएं। भिगोने के बाद इसे ओवन में 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करके सुखा लें। इसके क्रिस्पी और सूखने के बाद इसे ओवन से निकाल लें। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे रोस्टेड किए हुए बादाम खाने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।